बातें शिरकत की। 74 हमारे पास एबसेंट हुए, 10,917 हमारे पास अपीयर हुए, और इसके ए ग्रेड में, ए वन ग्रेड में 1,721 तलबा और तालिबात पास हुए, यानी 10,000 में से सिर्फ 1,000 तलबा और तालिबात जो है वो ए वन ग्रेड में आए। मेरे ख्याल में हमें बहुत मेहनत की ज़रूरत है, 10,000 तलबा और तालिबात अगर बैठे हैं तो फिर तो बहुत अच्छा रेशो होना चाहिए था, लेकिन बहरहाल 1,721 तलबा और तालिबात ए वन ग्रेड में हासिल किए, और ए ग्रेड में 3,529 और बी ग्रेड में 3,414। और आगे पूरी तफसील है, और इसमें मेल साइड के अंदर जो पासिंग फीसद है वो है 88.20 और फीमेल साइड है 95.71 और ओवरऑल बनती है 93.32। ठीक, आइए जनाब पोजीशन की तरफ चलते हैं। कौन कौन है भाई, आए ऐसे हाथ पाथ तो उठा लें। फिर इंजीनियरिंग में कौन कौन है, आप दो और तीसरे नहीं है, थर्ड पोजीशन सीट नंबर 104003 वलीद अहमद थर्ड पोजीशन, ठीक है, साजिद अहमद पाक तुर्क इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेज इसरा, और आपकी थर्ड पोजीशन 950 नंबर आपने लिए हैं, 86.36 आपकी परसेंटेज बनी। सेकंड पोजीशन सीट नंबर 101383 हसन अहमद मुश्ताक अहमद गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज कौसार, गवर्नमेंट डिग्री बॉयज कॉलेज कौसार, वेरी नाइस, एक मरतबा फिर तालियां। और आपके मार्क्स है 953953 और सेकेंड पोजिशन, फर्स्ट पोजिशन सीट नंबर 136421 कामरान शेख हयात गर्ल्स कॉलेज सदर हैदराबाद हयात से, अच्छा वेरी नाइस, 97974 आपके मार्क्स है, 88.55 आपकी परसेंटेज बनी, बहुत मुबारक हो, ये था रिजल्ट, ये थे नतीजे, शाबाश, आ जाएं अपना।
जावेद इधर आ जाओ बेटा, तुम लोग साथ रहो यार। आसिम लाइबा की फाइल ना बेटा, उधर आ जाए, उस तरफ बुला ले, उधर बुला ले, उधर बुला ले। हाँ भाई लाइबा, आप क्या कहना चाहेंगे आज के मौके पर? सर सलाम, बहुत मुबारक हो आपको। हाँ भाई लाइबा से भी सुनते हैं कि आज इनके तासुरात क्या हैं। अच्छा ये बहुत मुख्तसर तासुरात होते हैं लेकिन बेटा बड़े तारीफी होते हैं, बहुत तारीफी। जिंदगी भर ये लम्हात आपके साथ रहेंगे और जब कभी आप देखेंगे आपको मुसर्रत बख्श कैफियत से गुजरना होगा। थैंक यू जी लाइबा। वेरी गुड। इंस्टीट्यूशन कौन सा बेटा? एक्सीलेंस जबर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मैडम? ठीक है, आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा। क्या नाम? अरिशा। अरिशा I did a lot of efforts to achieve this position. Finally, I get it. Very nice. अच्छा आ जाए भाई, आप सब आ जाए। हाँ बेटा ये करो, बेटा ये देखा, ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच। सेकेंड पोजीशन पे वानिया तशरीफ नहीं लाए, नंबर फर्स्ट पोजीशन पे वजाहत खान से मैं। वजाहत खान सैफी कॉलेज, वजाहत खान सैफी कॉलेज। डॉक्टर शेफ साहब आए, आ जाए, आप आ जाए, आप आ जाए। अगर उनके जाहिर के इंस्टीट्यूशन के भी बड़ा नाम होता है उनसे भी हम कहेंगे कि वो तशरीफ लाए। वजाहत, अच्छा अच्छा, आप माशाल्लाह इनके प्रिंसिपल हैं आप, अच्छा वजाहत। हाँ भाई ये योम शुजात, मियां वजाहत, आज का ये योम शुजात आपको कैसा लगा? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वजाहत खान है। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो मेरे ये मकान नवाजा, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ डायरेक्टर शेख खान भाई और अपने इस ने जितनी मेहनत करी हमको ये मकाम मिला और मेरे माँ की दुआ की वजह से ये मकाम मिला। आप आ जाए, इधर आ जाए, इस तरफ आ जाए। नहीं इनका बोल, ये आप लोग आगे आए ना सर, आगे आ गए हैं सर, आप लगाए बेटा, ये आपकी ये चीज़ ज़रा इम्पोर्टेंट है।
थैंक यू। ठीक है बेटा, ये आपके साथ जाएगा गजरे भी आपका। हम मैडम से दरख्वास्त करेंगे कि वो आपकी स्टूडेंट का ये थैंक यू मैडम, बहुत मुबारक मैडम, ये भी साथ जाएगा जी। मेरी मेडिकल गुरु तबक को ऐसी होनी चाहिए। आप आ जाए, करीब आ जाए भाई, मसूर भाई यहाँ देखिएगा, आप आओ ना बाबा ब्लैक, यू ब्लैक, आई ब्लैक, सर ब्लैक, ये लो बेटा ये भी जाएगा सर। बहुत मुबारक हो। और आज मैंने आपको क्या कहा, अरे हाँ भाई आपके तासुरात दिल Okay, first of all, I would like to say assalamu alaikum to everyone. I'm really honored that Allah gave me this opportunity. Because for myself and the people who are here, they are also so amazing. Of course, you need to say Allah jab aapko nawazta hai na, to aapki tawakkul se zyada nawazta hai. I'm truly, truly thankful to my parents, my principal, my teachers, sir, Harish, sir, Faraz, who gave me this hope, played a major role in bringing me to this. वंडरफुल। अच्छा सर, अपने पेरेंट्स का, अपने इंस्टीट्यूशंस का शुक्रिया अदा करते हैं, बोर्ड का कोई शुक्रिया अदा नहीं करता कि अच्छा रिजल्ट दिया है, ट्रांसपेरेंट रिजल्ट दिया है, हमें हमारा हक दिया है। हां भाई ये तो पुट्टी हो गई तुमसे भाई। सेकंड पोजीशन पे मेरा बेटा, आज मैंने तुम्हें डॉक्टर साहब, डॉक्टर ठीक है, जब बन जाओ डॉक्टर तो मेरे पास जरूर आना बताने के लिए। आज हैदराबाद तालीमी बोर्ड ने अपने 2023 के इंटर के सालाना इम्तहानात के नतीज का ऐलान किया। तीन ग्रुप्स का हमें ऐलान किया है आज, जनरल साइंस ग्रुप, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग। इससे पहले हम अपने तीन ग्रुप का ऐलान कर चुके हैं, बकिया तीन ग्रुप का ऐलान आज हमने किया है। तलबा और तालिबात के जो पोजीशन होल्डर्स थे वो यहाँ मौजूद थे आपके सामने, उनके तासरात भी आपने सुने। आपको अंदाजा हुआ होगा कि हैदराबाद तालीमी बोर्ड ने अपने नतायज को मुरतब करने में ट्रांसपेरेंसी का ख्याल रखते हुए और जनाब चेयरमैन अहमद अली बरूही साहब की निगरानी और सरपरस्ती के अंदर अपने नतायज को ट्रांसपेरेंट मुरतब करने में बड़ा अहम और कलीदी किरदार अदा किया है। आपके तवसुस से मैं ये भी बताता चलूँ कि शायद मुमकिन है कि ये हमारी पोजिशन होल्डर्स की आखिरी तकरीब हो, इसलिए कि 2024 में जो इम्तहान और उनके नतायज मुरतब होंगे वो सिस्टम की तब्दीली के साथ, ग्रेडिंग सिस्टम की तब्दीली के साथ अनाउंस होंगे। ग्रेडिंग सिस्टम की तब्दीली क्या है इसकी बाकायदा हम आपको अवेयरनेस देंगे, आपको बताएंगे, आपको उसकी मालूमात फराहम करेंगे। लेकिन 2024 के इम्तहान में पासिंग मार्क्स जो है, जिस तरह अब तक 35% रखे जाते थे, उसको बढ़ाकर अब 40% कर दिया गया है। मैं ये भी बताता चलूँ आपको कि ग्रेडिंग सिस्टम क्या है, उसके अंदर फर्स्ट सेकेंड थर्ड पोजिशन अनाउंस नहीं होंगी, बल्कि बच्चों को ग्रेड को तब्दीली के साथ जाहिर किया जाएगा उनकी मार्कशीट के ऊपर, ए और जीपीए सिस्टम लेकर आया जाएगा, और जीपीए के तहत उनकी हर सब्जेक्ट की भी जीपी निकाली जाएगी। और इस जिस तरह आलमी सतह के ऊपर मार्कशीट रखी जाती है, और सिंध के अंदर भी उसको डेवलप कर दिया गया है। फर्स्ट नंबर पर जो होगा वो उसका A++, और उसके बाद A+, उसके बाद फिर A, और उसके बाद फिर B++, उसके बाद फिर B+, उसके बाद फिर सिर्फ B। इसी तरीके से फिर पासिंग मार्क्स में भी जो है 40% रखे गए, और इसके लिए हम अलग से आपके साथ बैठेंगे इंशाल्लाह, और हम आपको पूरा सिस्टम बताएंगे। लेकिन इस वक्त मैं तमाम कामयाब तलबा और तालिबात को हैदराबाद तालीमी बोर्ड की तरफ से, इसके पूरी टीम की तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से, और जनाब खास तौर पर अपने चेयरमैन अहमद अली बरूही साहब की तरफ से बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और टीचर्स तमाम सर, हारिस, सर फराज, उन्होंने मेरी बहुत मदद की मुझे अपना इंटर कंप्लीट करने में। आगे क्या करना चाहती हैं इंटर के बाद? इंटर के बाद ऑफ कोर्स मैं डॉक्टर बनना चाहूंगी। और कहीं अप्लाई किया आपने? हाँ मैंने अप्लाई किया है, मैंने लम्स में अप्लाई किया है, मैंने हर जगह अप्लाई किया है। और किसे वर्ड ऑफ फेल किया? अभी अभी नतीजे नहीं आए।
हाँ नम्स मैंने किया था अपना और मेरी 70% आई है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नाम मनीषा कामरान है और मैंने हयात गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल से ताल्लुक रखती हूँ। मेरी हैदराबाद बोर्ड में फर्स्ट पोजीशन आई है प्री मेडिकल ग्रुप में, मैंने 88 पॉइंट समथिंग परसेंटेज लिए, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं, मैंने मेहनत की, जिसकी वजह से मुझे नतीजा मिला है और मैं मेहनत को यकीन रखती हूँ। आप सबको भी मैं एडवाइस दूँगी कि मेहनत करें, मेहनत कभी रखा नहीं जाती और बस मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जी मैंने टेस्ट अभी दिया है, मेरे मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे आए हैं और मुझे उम्मीद है कि मेरा नाम लिस्ट में आ जाएगा। जी नहीं मैंने लम्स में अप्लाई किया है, देखें इंशाल्लाह मेरा नाम आ जाएगा लिस्ट में। I have achieved first position in pre-engineering group and I'm really grateful to Allah Taala for this and thanks to the board as well. The hard work paid off, alhamdulillah. That's all. Thank you. और मैं प्री इंजीनियरिंग ग्रुप से और मेरा कॉलेज पाक्तपुरा है और शुक्र है बोर्ड का कि उन्होंने रिजल्ट अनाउंस कर दिया, सही है। और ये सब कुछ हार्ड वर्क की वजह से होता है और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे और दैट्स इट। मेरा नाम संदीप कुमार है, फादर नेम शरण कुमार है और मैं जी कॉलेज से हूँ और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ बोर्ड का जिसने मुझे हमने जल्दी रिजल्ट दे दिया और ये एफ जी कॉलेज का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एक प्लेटफॉर्म मिला है जिसपे मैंने थर्ड पोजीशन हासिल किए और सर खलीफ साहब का थैंक यू सर।